बाद में मैं थोड़ा सा इसमें सिरका डालूंगी ताकि खराब ना हो। वैसे खराब तो होता नहीं है लेकिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं सोनू चमियाल आप लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज हम अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं छत से, सूरज की पहली किरण से। मॉर्निंग का टाइम है इसलिए धूप अभी हल्की है। मॉर्निंग का जो सारा काम होता है मेरा वो निपट गया है और मैं आ गई हूँ छत पे लहसुन के संग अपना। मैं लहसुन का पिटारा लेके, ये लहसुन मैंने पहले बहुत यूज़ कर लिया था, बीज के लिए अलग निकाल दिया था और खाने के लिए इतना लहसुन मैंने जो अलग रखा था, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, ये लहसुन होने लग गया है धीरे धीरे ख़राब। इसीलिए अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। मैं बचे हुए लहसुन मैंने का छिलके क्या निकाल दिए हैं अचार के लिए। आज मैं डालूंगी लहसुन का अचार। तो देखिए छिलके मैंने इसमें लगाया है लहसुन में छोटे छोटे कट, ताकि ये देखिए इस टाइप का मैंने कट लगाया है, क्योंकि ऐसे कट लगाने से ना ये मसाला पूरा लहसुन में मिक्स हो जाता है, अच्छे से ऐड हो जाता है लहसुन में। और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ग्रीन चिली, ये मैंने मॉर्निंग में ही वॉश करके रख दी थी, अब ये सूख गई है अच्छे से। तो मैं इसको काट के करूँगी लहसुन में ऐड और उसके बाद मैं इसमें मिक्स करूँगी मसाले। और अभी मैंने सरसों का तेल गरम भी करना है, सरसों का तेल गरम ही डालूंगी ताकि उससे जो लहसुन का थोड़ा कच्चापन होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपने लहसुन के अचार डालने की रेसिपी, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी और आप लोग कैसे डालते हैं। और यहाँ साइड में मैंने डाली है घोट की दाल, ये देखिए ये है घोट की दाल, ये होती है गरम और इसको ठंडों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको भी मैंने डाला है धूप में, अभी धूप अच्छे से आई नहीं है, अभी हल्की धूप है। तो चलिए हम फटाफट कर लेते ये हैं देखिए अपना। फाइनली मेरा हो गया है वर्क कंप्लीट। ग्रीन चिली मैंने कट करके कर दिए लहसुन में मिक्स, और जो ग्रीन चिली है देखिए मैंने बड़े बड़े पीसेस बनाए हैं, क्योंकि बाद में जब इसमें मसाला ऐड हो जाएगा और ऑयल ऐड हो जाएगा तो उसके बाद ये सूख के थोड़ी सी छोटी हो जाती है, इनका साइज़ छोटा हो जाता है। तो मेरा एक जो ग्रीन चिली वाला काम था ये हो गया है पूरा, और टोकरी हो गई है खाली क्योंकि मैंने सब कट कर दिए हैं। तो अब धूप भी बहुत लग रही है इसलिए हम जाते हैं नीचे, और इसमें मसाला एंड ऑयल मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी क्योंकि वो बेस्ट होता है। तो थोड़ा सा उसको गर्म करके ही डालूँगी मैं इसमें, पहले मैं इसमें मसाला मिक्स करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, करते मटेरियल हो गया तैयार और मसाला भी रेडी है, बट एक प्रॉब्लम आ रही है, मसाला कम हो गया है और मटेरियल हो गया ज़्यादा। तो एक्चुअली ये मसाला मैंने घर पे खुद से रेडी किया था। इसमें मैंने देखिए सौंफ, मेथी, राई और घर का कूटा हुआ मसाला ये सब मिक्स करके मैंने बनाया था, लेकिन मसाला कम हो गया, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा कर लूँगी रेडी। तो मसाला हो गया काम, अब मैं इसको करती हूँ दो पार्टों में डिवाइड, जो आधा आधा है उसको उस अभी मसाले मिक्स कर लेती हूँ और आधे को कल करूँगी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, मसाला रेडी करने में भी काफ़ी टाइम लगा, इसको भूनना भी पड़ा तो काफ़ी टाइम लग गया। अब अभी लेट भी हो रहा है, मुझे लंच भी रेडी करना है, तो मैं अभी आधा जितना है मसाला उतना ही आपको रेडी करके दिखाती हूँ। बाकी मैं मसाला मैं अब कल को बनाऊँगी, उसके बाद मैं बाकी मैं कल को मिक्स करूँगी, अभी जितना है उतना ही करते हैं। तो मैं इसको दो भागों में डाल देती हूँ, आधा मैं कल के लिए छोड़ देती हूँ और आधे को मिक्स करती हूँ, आधे को मिक्स कर लेती हूँ आज मैं। ये देखिए ये देखिए कर देते हैं इसको मिक्स, ये देखिए ये बन रहा है स्टेप का। अब इसमें ऑयल नहीं पड़ा है, ऑयल मैंने गरम करने रखा है, जब ऑयल गरम हो जाएगा उसके बाद ही इसमें डालूंगी मैं, तब तक मैं इसमें कर लेती हूँ मसाले मिक्स। तो ये देखिए
ये देखिए, तो इसमें मैंने ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल गरम करके और मसाले। थोड़ा सा इतना सा और रह गया है मटेरियल, अभी मैं खाना बनाते बनाते अगर मसाला रेडी कर लूँगी तो इसको भी मैं ऐड कर लूँगी और उसके बाद धूप में सुखाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा तो फिर मैं इसके लिए कल ही रेडी करूँगी। तो आज क्या ये हो गया है लहसुन का अचार रेडी। लहसुन का अचार तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा अचार फाइनली लहसुन और मिर्ची का बन के हो गया है रेडी। इसमें जो मसाले की क्वांटिटी कम हो रही थी वो बाद में मैंने बना के और ऐड कर ली है, मतलब मैंने जो टोटली थोड़ा अलग किया था उसको भी ऐड करके पूरा ही मिक्स कर लिया है। अब बस इसमें एक काम करना है, इसको मुझे जो जार में भरना है तेल के संग, अगर मैं इसमें जार में भर के इसको तेल से भर दूंगी जार को, तो जब मैं धूप में सुखाऊंगी तो आप देख सकते हैं जो लहसुन का कच्चापन है ये दूर हो जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा धूप में ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत होती है, फिर बाद में ये बहुत टेस्टी होता है मिर्ची और लहसुन का अचार। तो दोस्तों आप लोग भी ट्राई करिए, मैं तो हर साल इसी मेथड से बनाती हूँ, बहुत सारे लोग सिरका भी यूज़ करते हैं बट मैं सिरका यूज़ भी करती हूँ, मैं इसी मेथड से बनाती हूँ, पिछले बार भी मैंने इसी मेथड से बनाया था और वो अचार बहुत अच्छा हुआ, ख़राब नहीं हुआ, तो इस बार भी मैंने इसी मेथड से बनाया है। और आप लोग कमेंट्स करके भेजिए कि आप लोग कैसे बनाते हैं, ये बहुत सरल तरीका है और बहुत जल्दी इसमें अचार रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड तो ये अचार कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर स्टॉप और मिलते हैं कल को एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।